जो कल से पार्लियामेंट इलेक्शन के एक्सपेक्ट पोल दिखाए उससे जो है लोगों में अजीब सी मायूसी छा गई। इसलिए कि जो कांग्रेस पार्टी की कैलकुलेशन है, सर्वे है, और जो पहले से सर्वे दिखाया जा रहा है उस सर्वे के बिल्कुल अगेंस्ट ये एक्ट चल रहा है। जहां हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, मैंने इलेक्शन शुरू होने से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन होने के बाद भी आपको डोर टू लफ्ज से कहा था कि इंडिया एलायंस जम्मू कश्मीर की पांच सीटें जीतेगा, और हम आज भी उस बात पे पूरा एतमाद रखते हैं। और हमें जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है, जिन्होंने हमें वोट दिया, उस पर पूरा यकीन है कि हम बराबर उधमपुर की सीट भी कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ी और जम्मू की सीट भी एक अच्छी मेजॉरिटी वोट से जीतने जा रहे हैं। जहां तक उधमपुर की सीट का ताल्लुक है, जो हमारा चिनाब रीजन है जिसमें रामा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, उन्हीं तीन डिस्ट्रिक्टों से हम 1,00,000 वोट सचिन हम लीड वहां से क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें 13 विधानसभा है पंजाब। चेक कर लेना जिस दिन पेंटिंग मिलेगी, 45,000 से ज्यादा हमारी लीड होगी वहां से। और ये जो चैनलें बोल रही है कि कांग्रेस 0 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1-2, ये तो फिर फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। लेकिन हमें डेमोक्रेसी पे भरोसा है, लोगों ने वोट डाला है, लोगों ने चौधरी लाल सिंह को भी बड़ी लीड से जिताया है, और रमन मल्ला साहब जो 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में, जो इनकी पार्लियामेंट है, 18 की 18 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसियां छोड़ के सब पे लीड है जो हमारी सर्वे है।